नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना पारासर जनसरोकार मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ जनसरोकार मंच की कि उन्होंने मुझे अपनी कविताओं को अपने मंच से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है अपनी अपनी दुनिया। आजकल सोचती हूँ घर के बारे में, आजकल सोचती हूँ घर के बारे में, उस घर के बारे में जहाँ लोग साथ साथ रहते हैं, जहाँ लोग साथ साथ रहते हैं, सबके अपने अपने कमरे हैं, अपनी अपनी दुनिया है, एक मकान के अंदर कई दुनिया बसती, एक मकान के अंदर कई दुनिया बसती है, एक दूसरे से बेखबर ये लोग जीते हैं जिंदगी, एक दूसरे से बेखबर ये लोग जीते हैं जिंदगी। दूर खड़ी मैं देखती हूँ, दूर खड़ी मैं सोचती हूँ उस घर के बारे में जहाँ लोग एक दूसरे के दुख दर्द को बिना कहे ही महसूस कर लेते हैं, उस घर के बारे में जहाँ लोग एक दूसरे के दुख दर्द को बिना कहे ही महसूस कर लेते हैं, उस घर के बारे में जहाँ दुनिया को भूलकर लोग घंटों बतियाते हैं अपनी ठेठ बोली में और घुलती रहती है मिठास शहद की सी, और घुलती रहती है मिठास शहद की सी पूरे माहौल में। दूर खड़ी मैं सोचती हूँ उस घर के बारे में। अगली कविता का शीर्षक है चंदा। चंदा भात रांधना जानती है, वह दाल भी अच्छा बघार लेती है, अब सीख रही है अपनी अम्मा से तरकारी बनाने के गुण, चीनी और नमक का अनुपात भी ठीक ठाक ही रखती है। इसी बीच चंदा को शौक चढ़ा है कविता करने का। इसी बीच चंदा को शौक चढ़ा है कविता करने का। हालांकि काव्य शास्त्र का ज्ञान उसे नहीं है, हालांकि काव्य शास्त्र का ज्ञान उसे नहीं है, फिर भी वह ये जानती है कि फिर भी वह ये जानती है कि कविता जीवन से ही जी है। चीनी और नमक की तरह उसके अंदर कविता घुलने लगी है। धान की तरह ही कविता को रोप देना चाहती है अपनी आत्मा की मिट्टी में। धान की तरह ही कविता को रोप देना चाहती है अपनी आत्मा की मिट्टी में। बाबा ने कहा, मत लिखो मत लिखो ये कविता वविता, सीखो अपनी अम्मा से कुछ और गुण, मत लिखो ये कविता वविता, सीखो अपनी अम्मा से कुछ और गुण, ससुराल में काम आएंगे, ससुराल में काम आएंगे, गृहस्थी संभालना है तुम्हें। चंदा जानती है अपनी अम्मा के गुणों को, जो सबको खुश रखने में इतनी बेसुध रही थी कि कभी अपनी सुध ना ली। सब खुश तो अम्मा खुश, अम्मा की खुशी का किसी को परवाह नहीं थी। ज्वर से पीड़ित अम्मा जब खटिया पकड़ लेती थी तो कोई तबीयत पूछने भी झांक कर नहीं जाता था। चंदा बाबा की बातों को अनसुना कर बुनने लगती है कविता।
उसकी कविता में चिड़िया होती है, नदी होती है, पहाड़ होते हैं और होते हैं खुला आसमान। उसकी कविता में चिड़िया होती है, नदी होती है, पहाड़ होते हैं और होती है खुला आसमान, जहां चिड़िया दूर दूर तक उड़ती रहती है अपनी मर्जी से। अगली कविता है गृहस्थ गृहिणी की कविता। हाथ में कलम लेकर कविता लिखने बैठी ही थी कि तभी याद आ जाता है कि तभी याद आ जाती है कि चूल्हा पर अधन चढ़ाकर भूल आई हूँ। चावल धोकर दाल आई और एक बार फिर से कलम पकड़ लेती हूँ कि तभी तेज आवाज आई भात के खदबदाने की। उठकर मार पसा आई, सोचा अब लिख लूंगी कि तभी मार की खुशबू को सूंघते हुए बढ़ गई थी भूख बच्चों की। बच्चे खाते हुए मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खाते हुए मुस्कुरा रहे थे, उधर कविता रूठ कर मुझसे दूर जा खड़ी हुई। मैंने झांक कर देखा बच्चों की आंखों में, कविता वही थी। मैंने झांक कर देखा बच्चों की आंखों में, कविता वही थी। बच्चों की आंखों के पुतलियों के संग आंख मिचौली खेल रही थी। बच्चों के आंखों की पुतलियों के संग आंख मिचौली खेल रही थी। अगली कविता है गुम होते रिश्तों के नाम। एक दिन रिश्तों के नाम गिने चुने ही बचे रह जाएंगे। एक दिन रिश्तों के नाम गिने चुने ही बचे रह जाएंगे। नई सोच थोड़ा देकर कितना कुछ छीनती जा रही है। संवेदनाएं छीजती जा रही है। हम खुश हैं या भरमाए हुए हैं, हम खुश हैं या भरमाए हुए हैं इस चकाचौंध से। अंधेरा तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। बच्चे उदास हैं, चुप चुप से रहते हैं, बच्चे उदास हैं, चुप चुप से रहते हैं, शायद अकेलेपन का शिकार है। बच्चे उदास हैं, चुप चुप से रहते हैं, शायद अकेलेपन का शिकार हैं। उसके साथ नहीं रहती है नानी या फिर दादी, जो उसको दुलारती किससे सुनाती। उसके साथ नहीं रहते हैं चाचा बुआ या फिर मामा मौसी, जो उन्हें रिश्तों की गहराई का एहसास कराते, जो उन्हें रिश्तों की गहराई का एहसास कराते। बाहर धूप फैली है मरियन सी, पार्क में बच्चे पार्क के आखिरी बेंच पर बैठकर इंतजार करते हैं अपनी मम्मी डैडी के घर लौटने का। बाहर धूप फैली है मरियन सी, बच्चे पार्क के आखिरी बेंच पर बैठकर इंतजार करते हैं मम्मी पापा के घर लौटने का। अगली कविता है समय का पहिया। समय बहुत कम बचा है मेरे पास, समय बहुत कम बचा है मेरे पास, इस बहुत कम समय में ही मुझे बहुत सारे काम करने हैं। माटी की गर्मी पाकर अभी अभी बीज से बाहर निकले नन्हे पौधे को सींचना है, ताकि
कल वह छायादार वृक्ष बन सके। वफादार कुतिया के दो छोटे छोटे बच्चों को जो रात में कहीं भटक गए थे, उन्हें उनकी माँ से मिलवाना है। वफादार कुतिया के दो छोटे छोटे बच्चों को जो रात में कहीं भटक गए थे, उन्हें उनकी माँ से मिलवाना है, ताकि कल वह अपनी वफादारी पूरी ईमानदारी से निभा सके, ठीक अपनी माँ की तरह, जो नींद में भी किसी की आहट सुन चौकस हो जाती है। जल्दी जल्दी निपटाने होंगे वो सभी अधूरे काम, जिसे वर्षों से टालता आया हूँ, यह सोचकर कि कल आराम से निपटा लूंगा। एक बेचैनी सी हो रही है, उलझता हूँ खुद से। एक बेचैनी सी हो रही है, उलझता हूँ खुद से। सुलझा लेना चाहता हूँ उन सारी गांठों को, जो जीवन के आपाधापी में उलझते चले गए। कुछ अधिक खिंच जाने से जिसमें गांठें पड़ गई, समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है, इस पहिए के साथ तेजी से भागना चाहता हूँ। इस पहिए के साथ तेजी से भागना चाहता हूँ, इसके लिए पकड़ता हूँ जोर से पहिए को। इसके लिए पकड़ता हूँ जोर से पहिए को, किंतु अपनी गति से अपने अक्ष पर घूमता हुआ समय का यह पहिया हर बार मेरी हाथ से फिसलता चला जाता है। किंतु अपनी गति से अपने अक्ष पर घूमता हुआ समय का यह पहिया हर बार मेरी हाथ से फिसलता चला जाता है, और मैं खेल में हारे हुए शिशु की भांति बिलखने लगता हूँ। अगली कविता है चुप्पियां। चुप्पियां बहुत तेजी से पसरती जा रही है। चुप्पियां बहुत तेजी से पसरती जा रही है। खतरनाक है इस तरह से चुप्पियों का पसरना। लोगों के बीच अब संवाद बहुत कम बचा है, चुप्पियां अधिक। चुप्पियां गतिशील है, संवाद अदायगी की भाषा बनती जा रही है ये चुप्पियां। लोग चुप रहकर ही बहुत कुछ कह जाते हैं, कर जाते हैं। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर पर भी लोग अपनी बातें जोर शोर से करते हैं, और उनकी जबान बंद रहती है। धीमा जहर की तरह चुप्पियां पसरती जा रही है। चुप्पियां वहां भी पसर गई हैं जहां बोलना जरूरी था। क्या एक दिन सबके सब गूंगे और बहरे हो जाएंगे, दीमक की तरह अंदर ही अंदर आत्मा को खाई जा रही है ये चुप्पियां। दीमक की तरह अंदर ही अंदर आत्मा को खाए जा रही है ये चुप्पियां। पहले लोगों की जबान को मारती है, फिर आत्मा को। ये चुप्पियां पहले लोगों की जबान को मारती है, फिर आत्मा को। अगली कविता है पिता। पिता जिसके कंधे पर चढ़कर पल भर में मैं हो जाती थी बड़ी। उचक उचक कर देखती थी रंगीन दुनिया की मटमैली तस्वीर को। उचक उचक कर देखती थी रंगीन दुनिया की अनोखी तस्वीर को, जिसकी खुशियों का खजाना हमेशा ही पिता की मटमैली जेब में समाई रहती थी। एक छायादार वृक्ष की तरह हमेशा ही पिता मेरे साथ रहे। एक छायादार वृक्ष की तरह हमेशा ही पिता
मेरे साथ रहे, मेरे लड़खड़ाते हुए कदमों को थामते पिता कहते कि गिरो पर उठने के लिए। पिता जिसकी उपस्थिति मात्र से होता है सुरक्षित रहने का एहसास, घर के किसी एक कोने में सिमटे पिता आज भी मेरे लिए फिक्रमंद रहते हैं। मेरे देर से लौटने पर चिंतित पिता छड़ी के सहारे कई चक्कर लगा आते हैं बाहर का, और मेरे लौट आने पर अपने कांपते हुए हाथ से छूकर मुझे टटोलते हैं और आंखों में देखते हुए पूछते हैं कि सब ठीक है ना। मेरे देर से लौटने पर चिंतित पिता छड़ी के सहारे कई चक्कर लगा आते हैं बाहर का, और मेरे लौट आने पर अपने कांपते हुए हाथों को से छूकर मुझे टटोलते हुए पूछते हैं कि सब ठीक है ना। कुछ अगली कविता, कुछ टूटा था, कुछ टूटा था बहुत जोर से, कुछ टूटा था बहुत जोर से, किंतु बाहर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने उसकी पथराई हुई आंखों में झांक कर देखा जो खामोश थी, जो खामोश थी ठीक वैसे ही जैसे तूफान को झेलने के बाद समुद्र शांत और शिथिल हो जाता है। अगली कविता है, सफर तो अभी बाकी है। सफर तो अभी बाकी है, फिर क्यों पाँव रुक से गए हैं, क्या कोई और भी साथ चलने वाले थे, या फिर थक गए हैं पाँव, क्यों बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं आंखें, दिल में इतनी बेचैनी सी क्यों है, जैसे कोई अपना पीछे छूट गया हो, जैसे कोई अपना पीछे छूट गया हो। रात गहरी है, कोई साया भी कैसे नजर आए, एक हूक सी उठती है हृदय में, सफर में कोई साथ होता तो पांव थकते नहीं, सफर में कोई साथ होता तो पांव थकते नहीं। अगली कविता है, बहुत उदास है रातें, बहुत उदास है रातें, चुप चुप सी है बातें, आंखें बुझी बुझी सी हैं, क्यों किसी का इंतजार है अब भी, क्यों हर आहट पर आंखें उठ जाती है, जबकि मालूम है उसे कि जो चला गया, जबकि मालूम है उसे कि जो चला गया उसका लौट कर आना अब मुमकिन नहीं, फिर क्यों उसी की फिक्र में आंखें बिछाए बैठी है, बहुत उदास है रातें। अगली कविता है, खुशियां। मैंने सोचा कि बाजार जाकर खरीद लाता हूं खुशियां और सुकून के कुछ पल। मैंने सोचा कि बाजार जाकर खरीद लाता हूं खुशियां और सुकून के कुछ पल, उदास मुरझाए हुए चेहरे के लिए मुस्कुराहट। बाजार जाकर बहुत ढूंढा, अफसोस कि कहीं नजर नहीं आया ये सब। बाजार जाकर बहुत ढूंढा,
किंतु अफसोस कि कहीं नहीं मिला ये सर। मैं लौट आया बाजार से घर, अब तलाशता हूं इन्हें घर के अंदर। मैंने पाया कि घर में ये सब हैं, अब मैंने बाजार जाना छोड़ दिया है। अब मैंने बाजार जाना छोड़ दिया है। अगली कविता है, परछाई की तरह। कुछ यादें उम्र भर पीछा करती है परछाई की तरह। कुछ यादें उम्र भर पीछा करती है परछाई की तरह। अतीत का कोई पन्ना कभी कोरा नहीं होता है, केवल समय की धूल ढक देती है उसके चेहरे को। अतीत उम्र भर साथ चलता है परछाई की तरह। अतीत उम्र भर साथ चलता है परछाई की तरह। अगली कविता है, पत्थर बस्तियां उजड़ गई। पत्थर शहर को शहर बनाने में शहर को शहर बनाते हैं गांव से उजड़े हुए कुछ लोग। बेघर हुए लोग मजबूर हुए शहर दर शहर भटकने को। जाने कितनी ही सांसें टूटी, जाने कितनी ही आसें छूटी। शहर इतराता अपने होने पर, उसे मालूम नहीं वह किसकी कब्र पर ठाट से बैठा है। शहर की यह शान और शौकत, शहर की यह शान और शौकत किसी गरीब का कर्जदार है। अगली कविता है, पानी लौट आओ पुनः। मैं जानता हूं कि तुम अब नहीं हो, कहीं नहीं हो। फिर क्यों ऐसा लगता है कि तुम हो, यही कहीं मेरे बहुत करीब हो, मेरे साथ हो। पहले मैं चिढ़ जाता था तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर। पसीने से भींगे हुए मेरे माथे को छूकर अक्सर ही तुम प्यार से कहती थी, थक गए हो, थोड़ा कुछ खा लो, अब आराम कर लो। झिड़क देता था तुझे मैं इन बातों को, फिजूल की बातें कहकर। तुम ढूंढ लेती थी छोटी छोटी बातों में भी खुशियां, और मैं बड़ी खुशी को पाने की चाह में अक्सर ही किनारे खड़ा रहा। आज तुम नहीं हो, आज तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो। फिर भी महसूस करता हूं कि तुम हो, मेरे बहुत करीब हो। मेरी यादों में, मेरी नींद में तुम हो। जिन बातों को मैं झिड़क देता था तुझे, आज उन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुझे फिक्र थी मेरी, यह अब मानता हूं। नहीं किया कभी तुम्हारी कद्र, नहीं किया कभी तुम्हारी कद्र, तुम्हारा कद मुझसे भी बड़ा था, यह अब मानता हूं। संभव हो गर तो लौट आओ पुनः। और एक आखिरी कविता,
सुनाने जा रही हूँ। बातें मन की, आओ बैठो कुछ देर, आओ बैठो कुछ देर, बातें करें मन की, कुछ तुम कहो कुछ मैं भी, कुछ तुम कहो कुछ मैं भी, जो कहा नहीं अब तक किसी से, राह चलने की जल्दी में मंजिल को ही भूल बैठे। मंजिल तो खुशियां थी, फिर क्यों अपनी झोली में हम गम को भर बैठे। आओ बैठो कुछ देर, बातें करें मन की। धन्यवाद।